बच्चा गुरबाणी दे नाल जुड़ गया ना उहदा जीवन सवारिया जाएगा। मैं अक्सर गल कहना हुंदा बेटा तुसी वेखो इत्थे आउंदे हो चक्की साहिब दा पाठ भी करते हो तां मेरा ख्याल है कि देखो जदों तुसी पाठ करते हो चक्की साहिब दी बाणी नूं पढ़ते हो है ना पढ़द्या कई बच्चों कंठ भी है कई अजे कंठ नहीं है वो कोशिश करते हैं कंठ करन दी। संसार ते होर कोई नाते होर कोई चीज असल दे नाल नहीं जुड़ेगी। पर बेटा ये गल चेते रखियो जिस दिन मूँह दे विच दंद भी नहीं ना रहने बजुर्ग होके जिस दिन मूँह ते दंद भी नहीं ना रहने उस दिन भी तुहानू गुरु नानक साहब जी की जपजी कंठ रहेगी गुरु नानक साहब का पाठ कंठ रहेगा कितनी वड्डी बख्शिश पातशाह दी। फिर तुसी आखणे उदो मैं छोटा सां जो मैं गुरु साहब की बाणी दे लड़ लगा सां उदो मेरी छोटी अवस्था सी पर अज मैं बुढ़ा हो गया मेरे मुँह च दंद भी नहीं ने मेरे कोलों बोलिया भी साफ नहीं जांदा पर अज भी मैनू बाणी कंठ है अज भी मेरे ते गुरु की बख्शिश है गुरु की अज भी मेरे ते कृपा है। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸਦਾ ਵੈਕੁੰਠ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ